महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे उतना ही हतोत्साह होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहां से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेकचार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च किए, इसकी जरूरत ही क्या थी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहते, महाशय बड़े कृपण हैं, उतना सुन लेने में क्या हानि थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। यह सब रमा का दुस्साहस है, उसी ने सारे खर्च बड़ा बढ़ाकर मेरा दिवाला निकाल दिया। और सब तकाजे तो 10-5 दिन टल भी सकते थे, पर सर्राफ किसी तरह ना मानता था। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपये देने का वादा था। 7वें दिन सर्राफ आया, मगर यहाँ रुपये कहाँ थे। दयानाथ ने लल्लो चप्पो की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपए 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए, मगर सर्राफ एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने 3रे दिन बाकी रकम की चीज़ें लौटाकर देने का वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह 3रा दिन भी आ गया, और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता, हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता। लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी बोली, भूख क्यों नहीं है, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानाथ बोला, मैं सोचता हूँ उससे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंसा, बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जागेश्वरी बोली, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो। उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना ही न पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए हैं। बहुएं बहुत देखी पर ऐसी बहू ना देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू उसे गहने छीन लिए जाएं। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो, बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 निकाल कर दे दो, महाजन को दे आऊं। देती हो, बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है, गला कैसे छूटेगा। जागेश्वरी बोली, बेटे का ब्याह किया है कि ठट्टा है, शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है, धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं। तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव हैं, पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली, बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5000 रुपए तो खर्च किए ही होंगे। दयानाथ बोले, जब ही दो लड़के भी तो चल दिए। जागेश्वरी बोली, मरना जीना तो संसार की गति है, लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में ही सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की वह अब आखिरी वक्त नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है, और पर्दा रह ही कितने दिन सकता है। आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम ही हो जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाए, तुम उससे एक बार कहो तो। जागेश्वरी झुंझला कर बोली, उसे तुम ही कहो, मुझसे तो ना कहा जाएगा। सहसा रमानाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफेद टेनिस शर्ट था, सफेद पतलून, कैनवास का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते। तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपए उड़ा दिए, बतलाओ सर्राफ को क्या जवाब दिया जाए। बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू से गहने मांगे कौन, यह सब तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया, जो कुछ किया बाबूजी ने किया, हाँ जो कुछ मुझसे कहा गया वह मैंने किया। रमानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा ना होती तो रमा क्या कर सकता था, जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम रखने से तो कोई समस्या हल ना हो सकती थी। बोले,
मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही, मगर यह बला तो किसी तरह सिर से टालनी चाहिए। सर्राफ का तकाजा है, कल उसका आदमी आवेगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा? मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिए जाएं। गहने लौटा देने से भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। अम्मा तो जानती हैं कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है, जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना न पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रमानाथ बोला, रोना धोना मच जाएगा और उसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़ कर कहा, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या, अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी जल्दी ही समझ ले उतना ही अच्छा।